ये कहानी अफ्रीका की सच्ची घटना पर आधारित है। अफ्रीका में हीरो की बहुत बड़ी खदानी हुआ करती थी और उस खदान में एक आदमी को पिंक वाला हीरा मिल जाता है। उस हीरे की कीमत लगभग 800 करोड़ डॉलर्स थी। इसलिए अमेरिका, यूरोप और यूके जैसे बड़े देश खुद के फायदे के लिए अफ्रीका में आने लगे और इस वजह से अफ्रीका में सिविल वॉर होना शुरू हुआ। वेलकम टू ऑल कलर मूवीज ब्लड डायमंड। 1999 में अफ्रीका में एक छोटे से देश में सरकार और लोकल ग्रुप के बीच में लड़ाई हुई। उस ग्रुप का नाम है आरईएफ। आरईएफ वाले अपनी एक नई सरकार बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी। जो भी सरकार का साथ देगा, आरईएफ वाले उनके हाथ काट देते थे ताकि कोई भी सरकार को वोट ना दे पाए। आरईएफ वाले ने वहां पर रहने वाले एक मछुआरा जिसका नाम सोलोमन वैंडी है उसे पकड़ लेते हैं। वो अपने परिवार को तो बचा लेता है लेकिन आरईएफ वाले उसे पकड़ लेते हैं। आरईएफ का लीडर जिसका नाम कैप्टन पॉइजन है वो कुछ बंदूकों का हाथ काट देता है ताकि कोई भी सरकार को वोट ना दे पाए। और जब सोलोमन की बारी आती है तब उसके हाथ नहीं काटे जाते। उसके बाद सोलोमन को हीरो की खदान में काम के लिए भेज देते ताकि हीरे मिलने के बाद उन हीरो को अच्छे दाम में बेच सके। एक तरीके की स्मगलिंग होती है। उन हीरो को बेचकर आरईएफ वाले ब्लैक मार्केट में हथियार खरीदकर सरकार के साथ वॉर करते। अब आगे इस कहानी के हीरो डैनी आर्चर को दिखाते। डैनी आर्चर पहले आर्मी में था लेकिन अब उसने आर्मी छोड़ दी है और वो आर्मी के बड़े ऑफिसर कॉलोनल के लिए काम करता है। डैनी आरईएफ के लोगों से हीरे लेकर बड़े बिजनेसमैन को बेच देता है और वो बदले में आरईएफ को हथियार सप्लाई करता था। अब आर्चर आरईएफ वाले के एक आदमी से हीरे लेता है और उसके बाद वो वहां से चलाता है। लेकिन रास्ते में अफ्रीका के आर्मी वाले उसको हीरे के साथ पकड़ लेते। आर्चर उन्हें कहता कि मैं कॉलोनल के लिए काम करता हूँ लेकिन वो ऑफिसर उसकी कोई भी बात नहीं मानता और उसके बाद उसे जेल में डालते। वहां सोलोमन हीरो के खदान में काम कर रहा था तभी उसे एक पिंक वाला हीरा मिल जाता है लेकिन वो इस हीरे को आरईएफ के लोगों को नहीं देता बल्कि वो इस हीरे को अपने पैरों के उंगले में छुपा देता है और उसके बाद वो टॉयलेट का बहाना करके वहां से चलाता है। तभी आरईएफ का कैप्टन पॉइजन उसे रोक लेता है और उसके बाद उसकी तलाशी लेना शुरू कर देता है लेकिन उसके पास उसे कुछ भी नहीं मिलता इसलिए उसे छोड़ देता। अब सोलोमन उस हीरे को जमीन के अंदर छुपा रहा था तभी कैप्टन वहां पर फिर से आता है और वो इस हीरे को सोलोमन के पास देख लेता है। तभी आर्मी वाले वहां पर आकर आरईएफ वाले पर हमला कर देते और उस हमले में कैप्टन पॉइजन जख्मी हो जाता है। सोलोमन वहां से भागकर उस हीरे को जमीन के अंदर छुपा देता है। तभी आर्मी वाले वहां पर आकर उसे पकड़कर जेल में डालते। कुछ देर के बाद कैप्टन पॉइजन को भी जेल में लाया जाता है और वो सोलोमन को देखकर उस हीरे के बारे में पूछ लेता है लेकिन सोलोमन उसे पहचानने से इनकार करता है। कैप्टन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा नाम और फैमिली के बारे में पता है, मैं उन्हें ढूंढ कर खत्म कर दूंगा। और उसी जेल में आर्चर भी होता है और वैसे कुछ सुन रहा था। दूसरे दिन आर्चर जेल से छूट जाता है और वो अपने एक दोस्त को कहता है कि जेल में सोलोमन वैंडी नाम का एक आदमी है, उसके पास एक पिंक वाला हीरा है, उसे जल्द से जल्द बाहर निकालो। मैं लंदन में अपने दोस्त को कांटेक्ट करूंगा ताकि उस हीरे की अच्छी डील कर सकूं। आर्चर का दोस्त सोलोमन वैंडी को जेल से छुड़ा लेता है। अब दूसरे दिन आर्चर बीच के किनारे एंजॉय कर रहा होता है तभी उसे वहां पर एक लड़की दिखाई देती है और वो उस लड़की के पास जाकर उसके साथ बात करने लगता है। उस लड़की का नाम होता है मैडी बॉयन। ये दोनों अच्छे से बात कर रहे थे। मैडी बातों ही बातों में आर्चर से हीरो की स्मगलिंग और वैंडी कैप के बारे में पूछ लेती है। ये सुनकर आर्चर उसे पूछता है, क्या तुम जर्नलिस्ट हो? मैडी उसे कहती है कि हाँ, मैं एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हूँ। ये सुनकर आर्चर वहां से चलाता है क्योंकि वो किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। उधर सोलोमन अपने परिवार को ढूंढ रहा था। वो सरकार के लोगों से अपने परिवार के बारे में पूछता है, लिस्ट में उनके नाम भी ढूंढता है लेकिन उससे अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। दूसरी तरफ सोलोमन के बेटे को आरईएफ वाले पकड़कर अपने साथ लेके जाते। अब आगे कहानी में दिखाते आर्चर कॉर्नल से मिलने जाता है जिसके लिए वो काम करता है। कॉर्नल उसे कहता है, सियेरा लियोने की सरकार चाहती है हम आरईएफ के पूरे ग्रुप को खत्म करें क्योंकि उन्होंने फिर से हीरो की खदानों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। ये सुनकर आर्चर कॉर्नल से कहते कि आप आरईएफ के लोगों को ब्लैक मार्केट से हथियार बेचते हो और दूसरी तरफ सियेरा लियोन की सरकार आपसे मदद मांग दे ताकि आप आरईएफ वालों को खत्म कर पाए। कॉर्नल उसे कह रहे कि हम बस उनकी सरकार की मदद करते हैं। वो आर्चर से कहता है मुझे तुम पिंक वाला हीरा दोगे, तुम्हारे वजह से मेरे हीरे पकड़े गए, इससे मेरा बहुत नुकसान हुआ है, भरपाई के तौर पर तुम मुझे हीरा दोगे। आर्चर के पास दूसरा कोई भी चारा नहीं होता, वो कॉर्नल की बात मान जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन पॉइजन सोलोमन के बेटे से मिलता है, उसके साथ प्यार से बात करके उसका ब्रेन वॉश करता है
ताकि वो सोलमन से पिंक वाला हीरा ले सके। अब आगे आर्चल सोलमन से मिलने जाता है क्योंकि उसे पिंक वाला हीरा चाहिए। उसे मिलने के बाद उसे पिंक वाले हीरे के बारे में पूछता है, लेकिन सोलमन उसे कुछ भी नहीं बताता। आर्चर उसे कहता है, मुझे पता है तुम अपनी फैमिली को ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम एक व्हाइट आदमी के बिना अपनी फैमिली को ढूंढ नहीं पाओगे। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बदले में तुम्हें मुझे वो हीरा देना होगा। तभी वहाँ पर आरिफ के लोग आते और वो अंधाधुन लोगों के ऊपर गोली चलाने लगते। इस वजह से वहाँ पे बहुत लोग मारे जाते। आर्चर सोलोमन को लेकर एक सेफ जगह जाता है। रात भर ये दोनों वही छुप जाते हैं क्योंकि आरिफ ने इस इलाके पर कब्जा किया है। जैसे सुबह होते आर्चर सोलोमन को लेकर शहर के दूसरी तरफ आते। यहाँ पर आर्चर मैडी बॉन को ढूंढ रहा था ताकि मैडी उसकी मदद कर सके, और कुछ देर के बाद मैडी वहां पर आ जाती है। आर्चर उसे कहते हैं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और वो उसे सोलोमन और उसकी फैमिली के बारे में बताता है ताकि मैड उसकी फैमिली को ढूंढने में उनकी मदद कर सके। बदले में आर्चर उसे हीरो की स्मगलिंग के बारे में कुछ सबूत देगा। मैड इस डील को मान जाती है। अब ये तीनों अपने अपने फायदे के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। मैडी अपनी कॉन्टैक्ट से आर्चर और सोलोमन को हेलीकॉप्टर से गिनी लेकर जाती है क्योंकि सरकार के डेटाबेस से मैडी को पता चला है सोलोमन की फैमिली गिनी में रिफ्यूजी कैंप में है। कुछ वक्त के बाद ये तीनों गिनी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चल जाता है यहाँ पर 10 लाख से भी ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। सोलोमन अपनी फैमिली को ढूंढने चलाता है। अपनी फैमिली को ढूंढते वक्त उसे उसकी पत्नी कैंप के अंदर दिख जाती है। उसे आवाज देता है। आवाज सुनकर उसकी पत्नी उसके पास आकर उसे बताती है आरिफ के लोग दिया को डगर ले गए। ये सुनकर सोलोमन निराश हो जाता है और गुस्से में जाली पकड़कर तोड़ने लगता है। तभी वहां पर आर्मी वाले आके उसे पीछे हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उनकी कोई भी बात नहीं सुनता। तभी आर्चर उसे वहां से ले जाता है। इन तीनों को वहां से खाली हाथ जाना पड़ता है। आर्चर मैडी से फिर से मदद मांगता है, लेकिन मैडी उसे मना कर देती है। मैडी ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन काम करने के बाद भी उसे हीरो की स्मगलिंग के सबूत नहीं मिलते। इस वजह से वो आर्चर पर गुस्सा हो जाती है। मैडी उसे कहती है, तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझे तुम हीरो की स्मगलिंग के सबूत दोगे। अब आर्चर मैडी को हीरो की स्मगलिंग के बारे में बताता है। वो कहता है, जब वो बॉर्डर के उस पार हीरो को लेकर जाता, वहां के लोगों लोग उन हीरो को वहां से कस्टम ऑफिसर के पास लेकर जाते। वो उन हीरो को पेपर वर्क करके इंडिया में लेकर जाते। वहां दुनिया भर के हीरे आते और वो लीगल हीरो के साथ मिलाकर उन्हें कटिंग और पॉलिश करके बड़ी कंपनी को भेज देते। मैडी पूछते, क्या वैंडी कैप को इसके बारे में पता है, क्या वो इसमें शामिल है? आर्चर कहते हैं, हाँ वैंडी कैप को इसके बारे में सब कुछ पता है। दरअसल वैंडी कैप लंदन में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो हीरो का बिजनेस करता है। मैडी आर्चर से कहती है कि मुझे सबूत चाहिए। वो मैडी को नेम, बैंक अकाउंट्स और हीरो के बारे में बताता है ताकि मैडी वैंडी कैप जैसे लोगों को जेल में डाले जो खुद के फायदे के लिए लोगों को मरवा देते। आर्चर मैडी को कहते कि अगर ये हीरा उन्हें मिलने से पहले तुमने एक भी शब्द लिखा तो वो मुझे मार देंगे। अब आगे तीनों गिने जाने के लिए रवाना होते क्योंकि सोलोमन अपने फैमिली से दोबारा मिल सके। तभी रास्ते में आरिफ वाले इनकी गाड़ी पर गोली चला देते। इससे एक गोली ड्राइवर को लग जाती है। आर्चर उस ड्राइवर को गाड़ी से उतार देता है। आर्चर गाड़ी चलाने लगता है। गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है, लेकिन ये तीनों बच जाते हैं और जंगल के रास्ते चल कर जाते। लेकिन जंगल में कुछ लोग देख लेते, उन्हें मारने वाले होते। तभी मैडी उन्हें कहते, मैं पत्रकार हूँ। अब ये लोग इन तीनों को एक आदमी के पास लेकर जाते। उसका नाम बेंजामिन है। बेंजामिन एक अच्छा आदमी होता है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। बेंजामिन इन बच्चों को आरएफ से बचाकर लेकर आया ताकि आरएफ के लोगों की तरह ये भी बागी न बन पाए। रात को आर्चर अकेले बैठा होता है। तभी मैडी उसके पास आती है। दोनों अच्छे से बात करने लगते हैं। बातों ही बातों में आर्चर मैडी को कहता है, 1994 में हम गोरे और काले लोगों ने एक साथ कम्युनिज्म के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। तब गोरे और काले का भेदभाव नहीं था। हम साथ साथ लड़े और मरे, लेकिन साउथ अफ्रीका के काले और गोरे लोगों को पता ही नहीं था कि हम क्यों लड़ रहे हैं। इसलिए मैंने आर्मी छोड़ दी। मैडी आर्चर से कहती है, तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर है? आर्चर कहते हैं, मैं जब 9 साल का था तब माँ का बलात्कार करके उन्हें गोली मार दी। पिता के हाथ पैर काट के उन्हें उल्टा लटका दिया। मैं थोड़ा रोया भी। कई बार सोचता हूँ क्या कभी ईश्वर हमें माफ करेगा जो हमने एक दूसरे के साथ किया। जब मैं आसपास देखता तो मैं समझ जाता हूँ ईश्वर इस जगह को बहुत पहले छोड़ गए। ये सुनकर मैडी उसे दिलासा देने लगती है। इन दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई, लेकिन ये दोनों कुछ भी नहीं कहते। दूसरे दिन जब ये सभी गाड़ी से जा रहे थे तभी आरएफ के दो बच्चे इनकी गाड़ी रोक लेते। बेंजामिन उन्हें कहता है, हम बाहर जा रहे, लेकिन उनमें से एक बच्चा उन्हें कहता है, यहाँ से सिर्फ आरएफ के लोग जा सकते है। और वो बच्चा बेंजामिन को शूट करता है। आर्चर तुरंत गाड़ी चलाकर वहां से निकलता है, लेकिन बेंजामिन बहुत जख्मी हुआ है, उसे इलाज की जरूरत है। आर्चर उसे कुल्लू एयरपोर्ट के पास लेकर जाता है जहाँ पर कर्नल है। वहां पर बेंजामिन का इलाज करवाते। आर्चर कर्नल से मिलता है। कर्नल उसे कह रहे कि तुम हमारे साथ हीरा ढूंढने आ रहे हो, हम आरएफ के ठिकानों पर हमला करने वाले। आर्चर उसे हाँ बोलकर वहां से चलाता है। वो चुपकर आर्मी कैंप से अपने लिए खाने पीने का सामान लेकर मैडी के पास आता है
और वो मैरी से कहता है, मैं और सोलोमन फिर से उस हीरो को ढूंढने जा रहे हैं। मैरी उसे कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। लेकिन आर्चर उसे कहता है, मैं तुम्हें साथ लेकर जा नहीं सकता, वहां पर बहुत खतरा है। मैरी उसकी बात मान लेती है। जब मैरी उसे अपने प्यार का इजहार करने वाली होती है, तभी आर्चर उसे कहता है, तुम अपने लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लेना। दरअसल आर्चर के दिल में मैरी के लिए फीलिंग्स होती है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करता, क्योंकि वो जानता है वो जिस जगह पर जाने वाला शायद वो लौट के ना पाए। ये दोनों अपने फीलिंग्स एक दूसरे को नहीं बताते और अपने अपने रास्ते चले आते। आर्चर और सोलोमन अब उस जगह पर निकल पड़ते जहाँ पर सोलोमन ने उस हीरो को छुपा कर रखा था। इनका सफर बहुत लंबा होता है। वो दोनों रात को एक जंगल में रुक कर वही सो जाते और सुबह फिर से अपना सफर शुरू करते। सफर के दौरान इन्हें गाँव से गुजरना, लेकिन उस गाँव में आरएफ के लोगों ने पहले से हमला किया है, इस वजह से वहां पे बहुत लोग मारे गए। जब ये दोनों रास्ते से जा रहे होते, तभी सोलोमन दूसरी तरफ चला आता है। आर्चर उसे कहते हैं, तुम गलत रास्ते से जा रहे हो, लेकिन सोलोमन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। इससे आर्चर को गुस्सा आता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। आर्चर उसकी तरफ गन पॉइंट करता और कहता है कि अगर तुम हिले तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। सोलोमन उसे कहता है कि मेरा बेटा उन लोगों के पास है, मुझे उसे बचाना ही होगा। लेकिन आर्चर उसे कहता है, तुम्हारा बेटा वहां पर नहीं है। सोलोमन उसे कहता है कि वो जिंदा है और उन पागलों के साथ है, मैं बिना जाने नहीं जी सकता, चाहे तो तुम मुझे गोली मार दो। आर्चर उसकी बात मान लेता है। दोनों उस जगह पर जाते जहां पर आरएफ के लोग रहते, लेकिन उन्हें यहां पर डिया नहीं मिलता। अगले दिनों अपना सफर फिर से जारी रखते। सोलोमन आर्चर से रास्ते में बहुत सवाल पूछता है। आर्चर उसे कहता है, तुम रिपोर्टर ही नहीं हो, क्योंकि तुमने मुझसे बहुत सवाल पूछे। अबे दोनों उस जगह पर आते जहां पर सोलोमन ने डायमंड छुपा कर रखा है। यहां पर आरओ के सारे लोग होते। आर्चर कॉर्नल के एक आदमी को सैटेलाइट से फोन करता और कहता कि तुम कॉर्नल से कहो, मैं उस जगह पर आया हूँ जहाँ पर हीरा, यहाँ पर बहुत सारे आरएफ के लोग हैं, तुम यहाँ पर जीपीएस की मदद से चॉपर भेज देना। ये दोनों रात को वही सो जाते, तभी यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती। बारिश होने से आर्चर उठ जाता, वो देखता कि उसके आसपास सोलोमन नहीं है। आर्चर समझ जाता है सोलोमन डिया को ढूंढने आरएफ के कैंप के पास गया है। सोलोमन को यहाँ पर डिया दिख जाता है। सोलोमन अपने बेटे के पास जाता है, उसे आवाज देता है, लेकिन डिया उसे पहचानने से इनकार करता है। सोलोमन उसे कहता है, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन डिया उसकी बात नहीं मानता। डिया उसे कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वहाँ के बाकी बच्चे सोलोमन के ऊपर गन पॉइंट करते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। अब अगले दिन कैप्टन पॉइजन सोलोमन से कहते हैं, मुझे पता था तुम अपने बेटे को बचाने जरूर आओगे, मैंने वो हीरा ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो हीरा मुझे मिल नहीं पाया, अब तुम हीरा मेरे लिए ढूंढोगे। ये सुनकर सोलोमन उसे कहते कि नहीं। कैप्टन पॉइजन उसे कहते कि अगर तुमने हीरा ढूंढा नहीं तो तुम्हारे परिवार को मैं मार दूंगा। तभी वहां पर आर्मी का एक चॉपर आता है और वो आरएफ के कैंप के ऊपर मिसाइल फायर करता है। इससे पूरे कैंप में भगदड़ मच जाती है। आरएफ वाले आर्मी वालों के ऊपर गोली चलाने लगते हैं। आर्चर भी वहां पर आता है और वो भी आरएफ के लोगों के ऊपर गोली चलाता है। मौके का फायदा उठाकर सोलोमन कैप्टन पॉइजन के बीच में लड़ाई होती है। सोलोमन उसके ऊपर एक हथियार से हमला करके उसे मार देता है। डिया सब कुछ देख रहा होता है। डिया को देख आर्चर उसके पास आकर उसे बचा लेता है। आर्मी वाले आरएफ को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन पर गोली चलाने लगते हैं। इस हमले में बहुत लोगों की जान चली जाती है। उसके बाद वहां पर कॉलन आता है और वो आर्चर से हीरे के बारे में पूछ लेता है। आर्चर कॉलन के साथ हीरे का 50% का सौदा करता है और वो सोलोमन को हीरे के बारे में पूछ लेता है। सोलोमन उसे बताने से इनकार करता है। वो कह रहे कि मैं इस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें उस हीरे के बारे में नहीं बताऊंगा। इस बात से आर्चर को गुस्सा आ जाता है। वो सोलोमन के बेटे को कॉलन के हवाले करता है और कहता कि इसका बेटा है। अब अपने बेटे की जान बचाने के लिए सोलोमन को उनकी बात माननी पड़ती है। अब आगे सभी उस जगह पर जाते हैं जहां पर सोलोमन ने हीरा छुपा कर रखा था। सोलोमन गड्ढा खोदने लगता है, तभी आर्चर पास में खड़े आदमी की गन छीनकर उसके ऊपर फायर करता है। वहां पर जितने भी आर्मी वाले होते उन सबको एक एक करके मार देता है। आर्चर कॉर्नल के ऊपर भी गोली चलाता है, इससे कॉर्नल की मौत हो जाती है। आर्चर सोलोमन को जल्द से जल्द हीरा ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि आर्मी वाले यहाँ पर किसी वक्त भी आ सकते है। सोलोमन गड्ढा खोदने लगता है। आर्चर को एहसास होता है उसे भी गोली लगी और उसके शरीर से खून निकल रहा था। सोलोमन को हीरा मिल जाता है और तभी गोली चलने की आवाज आती है। ये सभी वहां से पहाड़ी की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि आर्चर ने अपने दोस्त को प्लेन लेकर पहाड़ी के ऊपर बुलाया था। रास्ते में आर्चर सोलोमन से वो हीरा मांगता है और उसके बाद ये तीनों आगे बढ़ते, लेकिन आर्चर को गोली लगी थी इसलिए पूरी तरह से थक जाता है। जख्मी हालत में आर्चर आगे बढ़ नहीं सकता। सोलोमन उसे अपने कंधे पर लेटकर आगे बढ़ता है और कुछ देर चलने के बाद ये सभी एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। आर्चर सोलोमन को हीरा वापस देता है और वो सोलोमन को कहता है, तुम अपने बेटे को सुरक्षित घर पर लेके जाना। लेकिन सोलोमन उसे कहने में तुम्हें अभी भी उठाकर ले जा सकता हूँ, लेकिन आर्चर उसकी कोई भी बात नहीं मानता, क्योंकि वो जानता है वो अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगा।
अगर वो सोलोमन के साथ चला जाएगा तो शायद ये तीनों मारे जाएंगे क्योंकि आर्मी वाले इनका पीछा करे। इसलिए आर्चर सोलोमन को कह रहे कि वो ये रुकेगा। उसके बाद आर्चर मैडी को कॉल करता है। आर्चर का कॉल देखकर मैडी बहुत खुश हो जाती है। वो पूछते तुम कहाँ पर हो। उसे पता था कि मैं एक पहाड़ पर हूँ, हमने वो डायमंड ढूंढ लिया है और साथ साथ सोलोमन के बेटे को भी आरएफ के लोगों से छुड़ाया। सोलोमन को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, तुम उसके और उसके परिवार को लंदन में लेकर आना, उसके पास वो हीरा है। मैडी उसे कहते तुम क्यों नहीं उसकी मदद कर सकते हो। उसे पता था मुझे गोली लगी है। ये सुनकर मैडी टूट जाते। दरअसल ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन आखिर तक ये दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से बोल नहीं पाते। मैडी की आंखों में आंसू होते लेकिन अब आर्चर का खून शरीर से बहुत बह रहा होता है, इस वजह से आर्चर की मौत हो जाती है। और उसके बाद ये दिखाया जाता है कि सोलोमन लंदन में पहुंच जाता है जहां पर उसे मैडी मिल जाती है। और उसके बाद सोलोमन मैडी के आपसे मिलकर एक डील करता है। दरअसल ये सौदा किया था आर्चर ने लेकिन अब इस सौदे को पूरा सोलोमन कराता है और इस डायमंड के बदले मैंडी कैप उसका परिवार लौटा गया और साथ साथ बहुत सारे पैसे देता है। और इस पूरी डील की मैंडी बहुत सारी फोटो खींच लेती है। उसके पास और भी बहुत सारे सबूत होते हैं जो उसे डैनी आर्चर ने दिए थे और वो उन सबूतों को उन सारे फोटोज को अपने मैगजीन में पब्लिश कर देती है। इससे मैंडी कैप का पूरा भांडा फूट जाता है और अंत में दिखाया जाता है सोलोमन एक कॉन्फ्रेंस में जाता है और इस कॉन्फ्रेंस का नाम होता है ब्लड डायमंड। और यहाँ पर वो हीरो की स्मगलिंग और उन्हें निकालने के लिए जो तकलीफें हो जाती है उन सबको बयान करता है। इस वजह से 40 देश मिलकर साइन करते हैं वो डायमंड की स्मगलिंग और काला बाजारी रोक देंगे। दरअसल जो आखिरी मीटिंग हुई थी ये 2003 में असली में हुई थी जिसमें 40 देशों ने साइन किए थे। इस मूवी का नाम ब्लड डायमंड इसलिए क्योंकि ये डायमंड उस देश से निकाले जा रहे थे जिस देश में सिविल वॉर चल रही थी। ऐसे खून खराबे के माहौल में लोगों ने अपना खून बहाकर उस हीरो को निकालने की वजह से इस मूवी का नाम ब्लड डायमंड रखा गया। ये मूवी 2006 में आई अमेरिकन एक्शन मूवी है। इसका बजट $100 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर इसने $170 मिलियन की कमाई की थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर लौटूंगा एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।